2019 जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है, जो जेन्युइनली क्वालिफाइड कैंडिडेट है, वो और आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं। इतना ही डिमांड करते हैं कि जो गवर्नमेंट अपने नियम बनाई है, नियमावली बनाई है, और जो बिहार गजट, जो रिक्ति को फुल करने का जो बिहार गजट में जो लिखा हुआ है, जितने टीचर की संख्या लिखी हुई है, अक्षर से उसको पालन किया जाए। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास के पास मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे STET क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील कुमार हैं। सुशील, लगातार STET के तमाम अभ्यर्थियों को लेकर शिक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं, जो बिहार के प्रमुख सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनसे भी इन्होंने बीते दिनों मुलाकात की है। आश्वासन दिया है दीपक कुमार सिंह ने, उसके बाद शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको मुलाकात जो है इनकी जो है वो शिक्षा मंत्री से नहीं हो पाई है। जब गए अंदर तो इन जो शिक्षा मंत्री के जो गार्ड हैं उनका साफ साफ कहना था कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो आवास पर मौजूद नहीं हैं, वो बाहर निकले हुए हैं। सुशील से बात करेंगे। सुशील, क्या कहिएगा, शिक्षा मंत्री के आवास के पास पहुँचे और बीते दिनों जिस तरीके से अपर मुख्य सचिव से मुलाकात किए थे, वहाँ पर क्या कुछ कहा गया ये बताइएगा। सबसे पहले अभिषेक जी, आपको और आपके पूरे टीम को और NVC 24 के पूरे टीम को मेरे तरफ से यानी कि STET 19 क्वालिफाइड कैंडिडेट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू बोलना चाहते हैं आप सभी को, पूरे टीम को, क्योंकि हमारी बात को आप उठाते हैं, बहुत प्रमुखता से उठाते हैं, ताकि हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक सुन सके, हमारी आवाज़ पहुँच सके और हमारा कुछ भला हो सके। इसके लिए आपके टीम को तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम। जहाँ तक बात शिक्षा मंत्री का है, तो शिक्षा मंत्री आवास पे आए हैं और शिक्षा मंत्री के आवास पे जैसे ही अंदर गए तो बोला गया है कि यहाँ पे मतलब शिक्षा मंत्री हैं कुछ चुनाव वगैरह में बिजी हो रहे, अभी पटना में नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के लिए हम लोग मुकर रहे हैं, रेगुलर हम लोग आएंगे और जब तक कि हमारी बात पूरी नहीं होगी, मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे। कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले हम दीपक कुमार सिंह से फर्स्ट टाइम मिले थे सचिवालय में, उनके पास अपना हम लेटर लेके गए, वो लेटर बहुत अच्छे से बहुत शालीनता से पढ़े, जिसमें हम लोग जो सब्जेक्ट था वो नियमावली 2020 और बिहार जो गजट है उसको अक्षरशः पालन करने की बात की थी, और ये दोनों को पालन करते हुए 2019 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए, इसके बारे में हम लोगों ने लेटर लिखा था। उन्होंने पूरे अच्छे से शालीनता के साथ पढ़ा, उसके बाद हम लोगों को बोलने का मौका दिया। तो जब हम बोलना स्टार्ट किए तो सर बोले कि गवर्नमेंट नियम बनाई है सर, 2020 नियमावली मैंने नहीं बनाया, वो बनाया है आपका गवर्नमेंट ने, तो आप अपने नियमावली में जो रूल्स रेगुलेशन है उसको पालन कीजिए। 2019 जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है, जो जेन्युइनली क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, वो और आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं। इतना ही डिमांड करते हैं कि जो गवर्नमेंट अपने नियम बनाई है, नियमावली बनाई है, और जो बिहार गजट, जो रिक्ति को फुल करने का जो बिहार गजट में जो लिखा हुआ है, जितने टीचर की संख्या लिखी हुई है, अक्षर से उसको पालन किया जाए। इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। यही बात हम लोगों ने दीपक सर के साथ, दीपक कुमार सिंह जो अपर मुख्य शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके पास रखे, वो हम लोगों को आश्वस्त किए कि इस चीज़ को हम पूरी तरीके से आपको 100% नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम कंसीडर करेंगे, आपकी बात जेन्यून है, आप जो एक तरीका है जो गवर्नमेंट के साथ आप बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ जो हम लोगों ने नियम बनाया है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसको कंसीडर किया जाएगा और पूरी तरीके से कंसीडर किया जाएगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग बार बार मतलब कि इस तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब इसका वक्त आएगा, जब समय आएगा, तो इस चीज़ को पालन किया जाएगा और गवर्नमेंट इसको ध्यान में रखेगी। शिक्षा मंत्री के आवास पे पहुंचे, यहाँ क्या कहा गया था आप? शिक्षा मंत्री के जैसे ही हम आवास पे पहुंचे, वहाँ पे अंदर गेट से आगे वाले जो गेट है उसके तरफ से हम लोग अंदर गए, तो वहाँ पे गार्ड साहब थे, गार्ड साहब से हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए मिलने के लिए, तो बोला गया कि देखिए अभी शिक्षा मंत्री तो यहाँ पे है नहीं, नीतीश जो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी के साथ, वो कहीं चुनाव में MNC चुनाव में बिजी हैं, तो इसकी वजह से आज मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ दिन बाद बोले हैं कि कुछ दिन बाद आप आइएगा, सुबह के टाइम में 9 से 10 के बीच में आप आइएगा, अपनी बातों को रखिएगा और आपका मुलाकात होगा और आपकी बात को सुनी जाएगी, अच्छे से सुनी जाएगी, और उसको अगर कंसीडर करने लायक होगा तो माना भी जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल कंसीडर करने लायक है, क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं जा रहे हैं, हम गवर्नमेंट के फेवर में जा रहे हैं, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, वो बात को कंसीडर भी करेंगे। बिल्कुल, देख सकते हैं STET के क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील है। सुशील का क्या कुछ कहना आपने सुना है, बिहार के जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनसे बीते दिनों इनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने आश्वस्त किया है इन लोगों को और कहा है कि इस पर हम विचार करेंगे, इस पर ध्यान देंगे, जिस तरीके से बीते दिनों बोला गया था आप लोगों को कि आप लोगों की बहाली होगी तो उस पर हम ध्यान देंगे, और आश्वस्त किया है। वहीं बता दें आपको कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से भी मुलाकात करने गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो विजय चौधरी जो हैं वो बिजी थे, जिससे वो मुलाकात नहीं हो पाई उनसे इनकी। और क्या
खुश होगा ये देखने वाली बात होगी, तमाम एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी कि नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। और भी तमाम खबर के लिए बन रहे हैं NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।